हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आइडियल फिटर कंसेप्ट चैनल पर। जैसे कि इस चैनल पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो भी इसके क्या होते हैं चैप्टर होते हैं, या हमें जो भी इसमें सीखना है सिलेबस में, हम सारा कुछ यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे मैंने रोलर स्केल का आपको प्रयोग बता दिया था और साथ ही साथ मैंने सेट स्क्वायर का प्रयोग भी आपको बता दिया था। आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा राउंडर होता है। राउंडर को हम डिवाइडर भी बोलते हैं, विभाजक बोलते हैं, या कि एक बेहतरीन लैंग्वेज में हम क्या इसे सुइया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सुई होती है, इस वजह से सुइया भी बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या है कि हमें जब भी छोटे आकार के, या कि यूं कहें कि आपको कर्व खींचना है जिसमें आपको प्रॉपर रेडियस दे रखा हो या डायमीटर उसका दे रखा हो, किसी भी ड्राइंग में आपको सर्कल खींचना है या आपको छोटे छोटे एक कट लगाने हैं, तो उसका मैं बताऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग तीन चार जगहों पर कर सकते हैं। एक तो हमें जब भी कोई सर्कल खींचना है, सपोज दैट हमें कितने का ये चार मैंने लिया, तो इसके लिए आपको ड्राइंग में सिंबल यूज करे जाते हैं, जो एक होता है ये R10, इसका मतलब होता है रेडियस 10 mm है या सेंटीमीटर है, वो ड्राइंग में आपको दिया रहता है। इसके बाद ये एक होता है आपका फाई, क्या होता है फाई, फाई यदि लिख रखा है इसने 20, इसका मतलब भी होता है फाई 20 का मतलब डायामीटर, डायामीटर या कि व्यास जिसे बोलते हैं, कितने का 20। आगे जो इसका mm है, सपोज हम mm ही ले रहे हैं, तो mm। अब हमें पता है कि कभी भी जो इसमें माप भरी जाती है वो डायमीटर शो नहीं कराती, वो रेडियस को शो कराती है। इसीलिए जब हम इसे कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं, तो जैसे मैंने इसका कितना ले रखा था, ये चार ले रखा है, चार, इसमें कितना 20, खैर मैं 20 इसमें रेडियस ले रहा हूं, ये मैंने 20 का रेडियस ले लिया ऐसे तरीके से, ठीक है। मैंने एक ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करा, तो ये कितने का होगा, तो आपको पता है यदि मैं इसमें एक लाइन खींचता हूं, मैंने एक ये लाइन खींच दी इसमें, और इसका नाम मैंने इसका नाम ए दिया, इस पॉइंट का नाम बी दिया, और ये जो सेंटर था जहां पे मैंने राउंडर की नोक रखी थी उसका मैंने नाम ओ दिया। आप लोग देख सकते हैं ये रेडियस कितना था, मैंने 20 ले रखा है, रेडियस 20 था, और ये रेडियस इधर से घूम के यहां भी आया। तो यदि आप एबी की जो लेंथ बोलेंगे, एबी किसे शो कर रहा है, डायामीटर को, इस डायामीटर को हम कैसे शो करते हैं ड्राइंग में, फाई लिख करके हम शो करते हैं। ये कितना है, ये आप देख पा रहे हैं कितना है, 20 ए बी ओ की लेंथ, ये आप ओ बी कितना है आपका 20 है, और यहां से ओ ए भी 20 है, तो ये कितना है आपका 40। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है आपका, डायमीटर वो कितना होता है रेडियस का डबल, या कि फिर जो आपकी रेडियस होती है वो डायमीटर का क्या होता है आधा, यानी कि फाई इक्वल टू क्या बोलेंगे हम 2R, ये होता है इसका। आप अब क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें हैं, मैं सारी चीजें इसमें डिस्कशन करते चल रहा हूं, जो चीज हमें आगे प्रयोग में आनी है, जैसे लाइन है, डायमेंशनिंग है, या एंगल है, सारी चीज मैं इसमें डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये आपको ये सीखने को मिल गया आज। इसके बाद है कि अब हमें बहुत छोटा, जैसे ये तो मैंने 20 में खींचा मुझे आ गया, अब सपोज दैट मेरे पास आ गया कि 6 डायामीटर है, 6 डायामीटर, इसका मतलब बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा ये आपका 5 में, तो ये आ गया 5 के बाद, यदि आपको 6 करना है, इसका मतलब आपने इसको सेट करा 3 रेडियस में, 3 में, और 3 में जब आप खींचते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी बनाने में ये आप, क्योंकि बड़े आकार के आप तो इससे खींच पा रहे हैं, और छोटे आकार के जो डायमीटर के
सर्कल होते हैं उसे बनाने में आपको प्रॉब्लम जा रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेम्पलेट होता है, मैंने उस दिन इसका प्रयोग इसका बताया था कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग सिंपली करेंगे हम, हमारे पास ये कितने का है, ये 22 डायमीटर लिख रखा है यहाँ पे, ये 22 है इसका व्यास, ये है हमारे पास 6 mm का। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे जैसे ये रख रहे हैं तो 6 mm, ये हमारा 6 mm का इतना छोटा सर्कल आएगा। अब ये 6 mm का सर्कल बनाने के लिए इसमें हमें ये, इसका मतलब ये हमारा एग्जैक्ट जो पॉइंट जो 3 mm रेडियस होनी चाहिए वो नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो 6 mm के रेडियस के लिए डायमीटर के लिए हमें इतना करना पड़ता है। तो ये टेम्पलेट का इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं कि जहां पे भी हमें बहुत छोटे सर्कल के खींचना है, बहुत छोटे सर्कल खींचना है उसका, हम उसमें हम टेम्पलेट का प्रयोग कर पाएंगे। तो एक तो हमने इसका प्रयोग किया सर्कल बनाने में, दूसरा प्रयोग हम जान पा रहे हैं, पहला हमने सीखा सर्कल में, दूसरा हम करेंगे कहां, कर्व में, वक्र बोलते हैं जिसे। ठीक, वक्र क्या है, ये आपने ये कोष्टक लगाया ना, इसी को वक्र बोल देते हैं, इसी को वक्र बोल देते हैं। अब जैसे हमारे पास ये, हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और मैंने इधर से एक ये लाइन खींची और एक ये लाइन खींची, ये कितने की है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें बोला गया हो यदि कि इसके बीच क्या करना है, आपको 80 mm का ये एंगल पे दो लाइनें दे रखी हैं यदि, और 70 mm का या 80 mm का या 60 mm का, हमने 40 mm ले लिया, कितना 1, 2, 3 and 4 40 mm का क्या ले लिया रेडियस। तो इसे हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये आपको दिख रहा है, बस यही चीज आपकी जो कि कंप्लीट सर्कल में नहीं है, यही चीज आपकी कर्व कहलाती है। यानी कि हम ये बोले कि छोटे छोटे कर्व से मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनता है हमारा, इसी छोटे छोटे कर्व से मिलकर हमारा एलिप्स या क्या उसे बोलते हैं हम दीर्घवृत्त, वो भी बनता है। तो यहाँ पे ये हमने दे दिया, और इसकी रेडियस जो है कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, आर हमने 40 ले रखा था, आर 40। तो इस हिसाब से हम इससे क्या छोटे छोटे कर्व भी खींच सकते हैं, किसी भी ड्राइंग में दे रखा है, जैसे हमने एक ये छोटी सी ड्राइंग बनाई, आपको इन दोनों का क्या करना है, सेंटर निकालना है। अभी तो सेंटर निकालने के लिए क्या है कि एक तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशनिंग पता हो, ये हमने 10 और ये 5 15 और ये 20 का यदि ये खींचा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, क्योंकि यहां पे सेंटर आपको मिला नहीं, सेंटर कैसे निकालते हैं ये यही चीज आप अभी सीखने वाले हैं, आप यही चीज अब सीखने वाले हैं। कंट इधर से आया और ये चीज इधर से आई आपकी, ये 20 आई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के मध्य कर्व खींचना है। तो कर्व के लिए आप क्या करेंगे, आपने कोई भी डिस्टेंस ले ली, कोई भी, आपको यहाँ पे डायमीटर नहीं दे रखा ना रेडियस दे रखा, अभी मैं तब बात कर रहा हूँ, आपको बस सेंटर लेके इन दोनों को कॉर्नर ऐसे जॉइंट ना करके कर्व शेप में जॉइन करना है। तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे दो कंडीशन बैठती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये है, ये आपने इस पॉइंट पे रखा और फिर अगेन इस पॉइंट पे रखा और इसे कट कर दिया आपने, तो आपको एक पॉइंट कहाँ मिला, ये इस पॉइंट का नाम दिया हमने 1, आप देखिएगा। और इसी तरह से यहीं पे रखते हुए एक ये और दूसरी जो लाइन आएगी हमारे पास, ये इसे कट कर रही कहां पे, यहां पे, ये आपने देखा ये छोटा सा ही कट हुआ है,
अब आप देख पा रहे हैं ये, इसको नाम हमने दिया टू। ये दो आपको सेंटर में लगाए, सेंटर मिलने का मतलब ये यहां मैंने बोला कि कर्व में ज्वाइन करना है, ये नहीं बोला है कि अंदर से कर्व देना है या बाहर से में कर्व देना है। तो अब यदि आपने दो में रखा या कि जब भी आपको ये बाहरी कर्व देना है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, तो आप कहां पे सेंटर लेंगे, अंदर ड्राइंग के अंदर। और जब भी आपको ये आंतरिक चंद्राकार देना है तब आप क्या करेंगे, इसे बाहर की ओर सेंटर देंगे। ये एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, ये आपका कर्व शेप में बन गया। तो यहां पे अभी मैंने रेडियस नहीं दिया था, तो और जब भी रेडियस नहीं दिया हो तब भी हम सेंटर निकाल सकते हैं। उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि हम इसे कितना लिए, हम इतना भी लेंगे इतना भी तो भी हमारा इसी तरह से आएगा, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हो सकता है लेकिन कर्व शेप में तब भी आएगा। यहां पे हमने इसका आज प्रयोग सीखा कर्व शेप में और इसमें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग लाइन। अब चूंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमें स्केल सीखना है। स्केल आपके सिलेबस में दो तरह से आती है, एक आती है प्लेन स्केल, दूसरी आती है आपके पास कौन सी, डायगोनल स्केल। एक आती है आपके पास प्लेन स्केल, प्लेन स्केल इसका मतलब ये क्वेश्चन आता है ये आपके में, आपके पेपर में। दूसरी आती है आपके पास डायगोनल स्केल। आपको दो ही टाइप के स्केल पढ़ने हैं, लेकिन इसके पहले आपको इसका प्रयोग अच्छे तरीके से आना चाहिए। थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ईडी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपको कंटिन्यू इसमें पढ़ाई जाएगी, सारा कुछ कवर कराया जाएगा। थैंक यू।